इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। छह दिन आपने श्री राम कथा सुनी है, किसी के कोई संदेह संशय प्रश्न तो नहीं है? कथा जो सुनी आपने उसमें आपको कोई संदेह हो, भ्रम हो, कुछ जानते रही जान गए, कुछ छूट गया, महाराज ये नहीं समझ पाए? कोई मेरे से कह रहा था कि उत्तरकांड की कथा सुनेंगे। देखो, उत्तरकांड की जो कथा है वो एक पर एक सुनने की है, पंचायत की कथा नहीं। वो औपनिषदीय कथा है, वो सहज संवाद, वो भक्ति ज्ञान योग की जो चर्चा है मीमांसक, वो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि दोनों रहे तो कथा सुनी जाए। जिसको कई लोगों का आग्रह है, मैं सीधा ही कहता हूँ, भाई अकेले के लिए बुला लो, ये साथी लोग भी नहीं रहेंगे, सबकी छुट्टी कर देंगे, आप पूछो और कथा इसमें जो लिखा है वो आपको सुनाई जाए। वो कथा औपनिषदीय कथा है, परंतु जीव है ना, जीव का मन क्षण क्षण बदलता है, जमाना रंग बदलता है, भजन है, पूज्य बाबू जी का भजन है हरिद्वार। तो काकभूषुंड जी गरुण जी के प्रति भक्ति घाट से यह कथा गा रहे हैं, सुना रहे हैं। संकोच न करिए, कुछ चर्चा करना है तो कर लीजिए। फिर मैं तो सोचा पूछूं, लेकिन पूछ नहीं पाया। होई कि विमल विवेक उर गुरसन किए दुराओ। व्यास से, सदगुरु से, पिता से और जो श्रेष्ठ है उससे कुछ छिपाना नहीं चाहिए। खोल के रखिए, जो है सो बताइए, जानिए। कल कथा कहाँ तक आई थी? नहीं, हाँ आगे तक। शबरी माँ को तो भगवान विदा कर दिए, भगवान विश्राम कहाँ कर रहे हैं? पंपा सरोवर। देवऋषि नारद जी आ गए। क्यों आ गए? नारद जी सोचते हैं मेरे श्राप को अंगीकार करके, नारद जी महाराज सोचते हैं मेरे श्राप को अंगीकार करके भगवान नाना विधि दुख उठा रहे हैं, चले जरा हालचाल ले आए। नारद जी आए और भगवान की हालचाल पूछे, कैसे हैं प्रभु? तो भगवान बोले, जैसे आपने रखा है वैसे है। अरे, नारद जी बोले, जगत को आप रखते हैं, हम आपको क्या रखें? लेकिन आप एक मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर दे दीजिए। कही, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? भगवान बोले, आपने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया तो जो आपके हित में था वो मैंने कर दिया। विवाह के बारे में लोगों की बड़ी विचित्र विचित्र चर्चा है। विवाह को लोग परमार्थ नहीं मानते,
जिससे पूछो क्या बताऊं, बड़े कष्ट है महाराज। कष्ट है तो किए क्यों, अब क्या कहें। अब हमने तो बहुत मना किया लेकिन लोग माने नहीं। नहीं नहीं, देखो विवाह परमार्थ यात्रा है। ये संस्था ऐसी अद्भुत है, इसी से सृष्टि चक्र चलता है। परंतु भगवान ये भी निर्णय करते हैं किसको विवाह करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु हमने तो लड़की भी देख रखी थी, ढूंढ भी रखी थी, फिर भी आपने नहीं होने दिया, सब कुछ व्यवस्थित था। हमने तो केवल आपसे थोड़ी देर के लिए रूप मांगा था, आपने वो भी नहीं दिया। नारद जी अपनी कहे जा रहे हैं, भगवान सुने जा रहे हैं। भगवान सुनते बहुत हैं, भगवान कुछ कहते सुनते। और आप देखो भगवान सबकी सुनते हैं, सबसे सुनते हैं, फिर भी नहीं कुछ कहते। भगवान ने कहा, महात्मा नारद जी आपने सब कुछ कर रखा था, ये मैंने आके देखा, परंतु जब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा रूप चाहिए तो आपने कहा जेहिबिद नाथ हो ये हित मोरा, करो सुबे की दास समय तोरा। तो आपका हित मैंने देखा कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी यात्रा में चल दिए हैं, तो मुझे लगा आपको यही पथ उचित है। तो जप तप नेम जलासे झारी हुई ग्रीषम हो। अवगुण मूल शूल प्रद परमदा सब दुख खाने धाते कीन निवारण मुनि में ये जान कर किसको क्या करना है, किसके लिए क्या उचित है, इसका निर्णय परमात्मा कर। अब नारद जी का दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ, प्रभु आप तो स्वामी हैं, जगत ही अंता है, मेरा आपने होने नहीं दिया तो अपना क्यों कर लिया। तो भगवान ने कहा वो भी आपके कारण ही करना पड़ा। कैसे, आपने शाप नहीं दिया, बंच हुमो ही जवन धरि देह सो तन धर हु शाप ममे कपियाकृत तुम की करी है किस मम अपकार की तुम भार फिर तुम आपने कहा मेरा छोटा नहीं बड़ा अपराध किए हो, शेहरी में शाप देता हूं कि आप जैसे मैं स्त्री के वियोग में रोया वैसे आप भी रो, मैं शाप देता हूं। आपने दिया तो हमने ले लिया। अरे समझ में बात नहीं आई। अब देखिए संसारी होने के नाते दो बात जीवन में सदैव स्मरण रखना, नींद में व्याधि में पीड़ा में और क्रोध में कोई बात कोई कह दे तो उसको बांधना नहीं, क्योंकि तब जीव का मन उसके हाथ में नहीं होता। फिर याद रखो क्रोध में
जब मनुष्य को क्रोध होता है तो वो अपने में नहीं रहता है, इसलिए वो गीत हम लोग गाते हैं ना, एक बार क्रोध भी करिए पर क्रोध नष्ट ना होवे। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो 100 साल पहले की कथा उसको याद आ जाती है, मेमोरी बहुत तगड़ी हो जाती है ना? जब पीड़ा होती है, कलेश हृदय में उत्पन्न होता है, तब भी उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। सपने में जीव जाता है तो उसका मन उसके पास नहीं होता है, वो दूर घूमता रहता है, फिर सपने में एक कहानी मुझे बापू सुनाते थे कथा में, बहुत पहले की बात है। एक कपड़े का व्यापारी अपने बेडरूम में पत्नी के साथ सो रहा था, उसको सपना आ गया, कोई आया और 20 मीटर कपड़ा खरीदा। सपना चल रहा है, उसने 20 मीटर अपने ओढ़ी चादर को 4 बार नापा, कहा ये पकड़ो। तो जब कर आवाज आई तो पत्नी जगी, बोली क्या किया? बोले 20 मीटर कपड़ा नापा। अरे भाग्यवान, सो रहे हो, सोते में भी कपड़े बेच रहे हो। सोता है व्यक्ति तो उसका मन उसके साथ नहीं होता, जो सो गया सो गया। कई लोग सोने में बड़बड़ाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता कि हम क्या बड़बड़ाते हैं, जो बगल वाला होता वही जानता है। किसी को प्रेत पकड़ ले, किसी को बात रोग त्रास दे, दर्द हो घुटनों में, यहाँ वहां यहाँ, तो वो क्या बोलेगा उस पर ध्यान नहीं दो। बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले बचन बिचारे, जन कृत महा मोह मद पाना तिन कर कहा करी नहीं खाना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।